हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है 4 नवंबर और आज है देवउठनी ग्यारस, और आज के दिन काफ़ी शादियां हैं। तो दिन में मैं सो गई थी, उठी थी 5 बजे। तो 5 बजे उठने के बाद चाय वगैरह पी है, तो हमें भी एक शादी में जाना है। तो मेरे हस्बैंड अभी एक शादी अटेंड करने गए हैं, बोला कि वहाँ से आने के बाद एक और शादी में जाएंगे। तो अभी 6:30 बज चुके हैं, चाय वगैरह पी थी, अब मुझे बस उनके बर्तन साफ़ करने हैं और फिर हम लोग होंगे रेडी। बच्चों को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है शादी में जाने के लिए, उनको पता नहीं क्यों शादी वगैरह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो चलते ही है, तो जस्ट बर्तन मांजने के बाद मैं भी रेडी होंगी और बच्चों को भी कपड़े दूंगी कि ताकि वो भी जल्दी से रेडी हो जाएं, क्योंकि 8 बजे तक हमें तैयार होना है और उसके बाद जो है निकलना है। तो चलिए, तैयार होने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी शादी में जाने के लिए और 8 बज चुके हैं, बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए। मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं आए हैं, वो जो एक शादी अटेंड करने गए थे वहाँ से बस आने वाले हैं, अभी फ़ोन किया था मैंने, तो वो आ जाते हैं उसके बाद हम भी निकलते हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं, वापस भी आना है और सुबह बच्चों का स्कूल है, तो जल्दी से जो है आएंगे नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे सोने में, और उसके बाद फिर सुबह जो है उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर लेट सोते हैं। तो बस मैं बच्चों को कह रही हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि हम चलें। तो मैंने पहनी है हल्की सी साड़ी, पहनी है ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, और बहुत ही लाइट मेकअप किया है, क्योंकि जब घर में कोई फंक्शन होता है ना तभी अच्छा सा मेकअप करने का मन करता है, बट ऐसे कहीं और जाते हैं अपन किसी मिलने वाले के तो इतना मन नहीं करता ज़्यादा मेकअप करने का। तो मैंने बहुत ही हल्का सा मेकअप किया है, आप देख सकते हैं, बस थोड़ा लिपस्टिक मैंने डार्क लगाया है तो उससे थोड़ा सा जो है अच्छा लुक आ रहा है। तो बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? तो चलिए बच्चों को जल्दी से कहती हूँ जल्दी से तैयार हो जाएं ताकि निकले, और क्योंकि वहाँ पे भी लगभग 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर है जो वेन्यू है और वहाँ पे सबसे मिलना भी होता है। भाई मुझे तो खैर इतना नहीं जानते, पर हस्बैंड को काफ़ी लोग जानते हैं तो वो मिलते रहेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो चलिए अब आपको मैं वहीं मिलूँगी। Oh, oh, oh.
शादी में से आ चुके हैं और आते आते बच गए हैं 11। गए थे 8:30 बजे और पहुँचे हैं 11 बजे। और ध्रुव के हो रहा है पैर में दर्द, तो उसके दवाई लगानी है और थोड़ी सी सेक करनी है गर्म पानी से। दिन में ठीक था लेकिन शाम को अचानक से पता नहीं क्यों धीरे धीरे जो है दर्द हो रहा था। लेकिन अभी जब वहाँ गए शादी में तो वहाँ पे खूब दौड़ लगाई है तो दर्द बढ़ गया है, तो बस उसी की दवाई लगा के सेक करेंगे ताकि वो आराम से सो जाए। टैबलेट मैंने उसको पहले दे दी है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।